हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा प्लान है वो 30 फिट बाई 68 फिट का प्लान है, जिसको हमने 4 रूम विद गार्डन एंड कार पार्किंग के साथ प्लान किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पर। डियर फ्रेंड्स, इस प्लान को डिस्क्राइब करते हैं। आउटर दीवारों को हमने 9 इंच में लिया है और अंदर वाली दीवारों को हमने 4.5 इंच में लिया है। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी एंट्री है, 10 फिट चौड़ी एंट्री रहेगी। एंट्री करते ही सामने पर कार पार्किंग स्पेस और स्टेयरकेस है। राइट हैंड पर हमारा गार्डन रहेगा, जिसके लिए हमने 10 फिट का स्पेस छोड़ रखा है। तो ये अपना पूरा गार्डन एरिया, जहाँ आप सिटिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ से एक एंट्री दे रखी है, ये अपना ड्राइंग रूम रहेगा। एक एंट्री यहाँ से दे रखी है जो डायरेक्ट लॉबी में जाती है, तो ये गलती से हमारा लॉबी लिखा हुआ है, ये ड्राइंग रूम है। 13 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 9 इंच इसका साइज रहेगा। यहाँ बड़ा सा विंडो रहेगा गार्डन की तरफ, जिससे आपके लिए फ्रेश एयर मिलता रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। इसके लिए जस्ट बगल में हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया है, 4 फिट बाई 11 फिट 9 इंच इसका साइज रहेगा, जिसका वेंटिलेशन गार्डन की साइड रहेगा। ये अपना घर का सेंटर वाला पार्ट है, लॉबी एरिया, 17 फिट 9 इंच बाई 14 फिट 3 इंच का इसका साइज रहेगा। यहाँ इसमें वेंटिलेशन के लिए हमने ओपन स्पेस दिया है। ये हमारा टेम्पल है, 6 फिट 2 इंच बाई 4 फिट 7 इंच का। जस्ट इसके बगल में हमारा स्टोर रहेगा, 9 फिट 6 इंच बाई 5 फिट का। यहाँ हमारा किचन है, ये हमारा 10 फिट 4 इंच बाई 10 फिट का किचन रहेगा, जिसमें ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ इसका विंडो है मेन गेट की तरफ, और ये हमारा फ्रिज रखने के लिए स्पेस रहेगा। यहाँ से एक एंट्री हो जाती है बेडरूम में, 10 फिट 4.5 इंच बाई 10 फिट का ये हमारा बेडरूम है, जिसमें ये बेड की पोजीशन, यहाँ हमारा टीवी यूनिट और ये हमारा विंडो रहेगा। सामने पर हमने 2 बेडरूम प्लान किए हुए हैं, तो दोनों बेडरूम में हमारा अटैच टॉयलेट रहेगा। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम की एंट्री, ये हमारे सेकेंड बेडरूम की एंट्री। तो ये हमारा 13 फिट 5 इंच बाई 12 फिट का बेडरूम है, जिसमें ये बेड, इस तरफ वार्डरोब रहेगा, यहाँ टीवी यूनिट और ये हमारा अटैच टॉयलेट रहेगा। 5 फिट बाई 7 फिट का ये हमारा टॉयलेट है, और यहाँ बेडरूम का विंडो दे रखा है। वेंटिलेशन के लिए ये हमारा ओपन यूटिलिटी एरिया रहेगा, जहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, अपने कपड़े सुखा सकते हैं और अपना इंडोर गार्डन भी आप बना सकते हैं, छोटे प्लांट आप लगा सकते हैं यहाँ। यहाँ से एंट्री दूसरे बेडरूम में, तो ये हमारा 14 फिट 9 इंच बाई 12 फिट का बेडरूम है। ये बेड की पोजीशन, यहाँ हमारा वार्डरोब, ये टीवी यूनिट, ये हमारा अटैच टॉयलेट रहेगा 5 फिट बाई 7 फिट का। दोनों टॉयलेट का वेंटिलेशन इस ओपन एरिया में, बेडरूम का वेंटिलेशन भी बैक साइड से ही रहेगा, विंडो दे रखा है। दोनों बेडरूम से बैक साइड में जाने के लिए गेट भी दे रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये प्लान अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।